शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पंडित जी, ये हमारे बेटे और बहू की कुंडलियां हैं। आप जरा देखकर बताइए ना, इनका मिलन सही तो है ना? जी। अमृता जी। जी जी। इस कन्या की कुंडली में तो दोष है। क्या? जी, इस दोष के कारण इस कन्या के वैवाहिक जीवन में अशांति रहेगी और इसके नक्षत्र इसके वर और इसके ससुराल वालों पे बहुत भारी होंगे। पंडित जी, कोई उपाय तो होगा ना इसका? है, एक उपाय है। जी, तू पागल है क्या? काकी माँ को चोट लगी हुई है और तू उनको अकेला छोड़ के हमारे पीछे पीछे आ गई। कैसी होंगी वो? अरे अच्छी होंगी, वैसे भी मुझे नहीं लगता उन्हें कोई चोट लगी थी। चलना तो क्या। रुको, शक तो हमें पहले से ही था लेकिन आज तुम्हारी कुंडली दिखाकर हमें यकीन हो गया कि तुम इस घर के लिए अशुभ हो। माँ, ये सब क्या बोल रहे हो आप? सच सच बोल रहे हैं। तुम्हारी कुंडली में दोष है आशी, जिसके कारण एक के बाद एक पनौतियां होते जा रही है, हम पर, हमारे घर पर, हमारे बेटे पर। लेकिन माँ, अगर आशी के कुंडली में कोई दोष है भी तो उसे ठीक करने का कोई उपाय होगा ना माँ? है ना? आओ हम बताते। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? माँ माँ प्लीज रुको। अब ये क्या ड्रामा चल रहा है? लगता है आशी ने फिर से कोई सीन क्रिएट किया है। यार, लिम्पी घर आ गई, 7 महीने से प्रेग्नेंट है वो और कहती है वो बच्चा मेरा है। तू उठाना उसे मेरे साथ। तू बता उस रात क्या हुआ था? उस रात यार हमको कुछ ज्यादा तो याद नहीं है, मतलब हमने भी तो बहुत ज्यादा पी रखे थे ना उस रात। लेकिन हाँ, हमको इतना जरूर याद है कि उस रात आधी रात गए हमने डिम्पी को तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते देखा था। तू श्योर है? हाँ भाई, देखा था हमने। तुम्हें अपना दोष महादोष खत्म करने के लिए महातप करना होगा। तुम्हें मंदिर की 108 परिक्रमा करनी होगी, वो भी घुटनों के बल। हाँ निधि। हेलो निधि। निधि कहाँ गई? शायद गलती से लग गया होगा। ध्यान से सुन लो आशी, तुम्हें हमारे परिवार की, हमारे घर की, हमारे बेटे की भलाई के लिए मंदिर के 108 फेरे लगाने होंगे, वो भी घुटनों के बल। माँ, आप ये सब क्या कह रही हो? परिक्रमा, घुटनों के बल, 108। माँ, आशी कैसे करेगी ये सब? क्यों, तुम तो अपने आप को इस परिवार की बहू मानती हो ना, तो अपने परिवार के लिए इतना नहीं कर सकती तुम? नहीं,
आशी ऐसा कुछ नहीं करेगी। ओह गॉड, ये बाबा भी ना रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग एंट्री। क्या सीन चल रहा था यार? अमिता, ये क्या नया तमाशा है? अरे हम बरसों से देखते आ रहे हैं, तुम आशी के साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती करती हो। बस अब और नहीं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम अपनी एक फाइल यहाँ भूल गए थे जिसे लेने हमें आना पड़ा, वरना ना जाने तुम इस बच्ची के साथ क्या क्या करती। अरे उसकी अपनी जिंदगी है, उसे जीने दो। बस अभी नौटंकी बंद करो। नौटंकी नहीं, महातप। आशी को ये तप करना ही होगा, हमारे परिवार और हमारे बेटे के उद्धार के लिए। इसकी कुंडली में दोष है, अब दोष को दूर तो करना ही होगा ना। अरे ये तप, पूजा पाठ, ये तो कब तक इन अंधविश्वास में जीती रहोगी? अरे अब तो सिद्ध वापस आ गया है, अब क्यों? कहे ना, हमारे बेटे की जिंदगी के लिए। और जिसे आप अंधविश्वास कहते हैं ना, वो हमारा अंधविश्वास नहीं, हमारा विश्वास है। और भूलिएगा मत, हमारे इसी विश्वास के वजह से हमारा बेटा हमारे पास आया है। और कोई माने ना माने, हम जरूर मानेंगे। पर मैं ये सब में नहीं मानता माँ। और हम भी नहीं मानते। कब से हम माँ को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर माँ है कि सुनी नहीं रही। और सुनेंगे भी नहीं। आप सब लोग सुन लो, हमारे बेटे पर जो आफत आई है उसकी वजह है आशी के कुंडली का दोष। तो आप सब ये चीज मानो या ना मानो, हम जरूर मानेंगे। और आशी से तो ये तप करवा के रहेंगे। अब हम देखते हैं कौन रोकेगा हमें। हम रोकेंगे। हम रोकेंगे। आशी ऐसा कुछ नहीं करेगी। आशी ऐसा ही करेगी। ठीक है माँ, अब यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन मेरी भी एक शर्त, आशी ये महातप अकेले नहीं करेगी। मैं इस महातप में आशी का साथ दूंगा। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। बुखार? दिखाओ हमें। सिट, बेटा तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुमने कब से क्यों नहीं कुछ कहा हमें? हम कुछ दवा दे देते तुम्हें। बेटा बताया क्यों नहीं तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। मैं आशी के साथ जाऊंगा और इस महातप में आशी का साथ दूंगा। चुप कर, कुछ नहीं जानते तुम। बेटा चलो हमारे साथ, तुम आराम करो। तुम आप फोन कीजिए ना डॉक्टर को। कब से बेटा भाई, चलो हमारे साथ। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को थोड़ा बुखार हो गया है, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। सफल, बस बस दो कदम और बेटा। बैठो बेटा, सिट। इतनी तेज फीवर आया कैसे? सूरज, तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। और पूछती हो कैसे हुआ? तुम्हारी कुंडली के दोष की वजह से हमारे बेटे पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। कैसे हुआ पूछ रही हो? दीदी जाकर ठंडा पानी और पट्टी लिया, जल्दी से। अभी लाए। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। सब करो अपनी मनमानी, हमारी एक मत सुनना। हम कह रहे हैं दोष आशी की कुंडली में है, अब देखो नतीजा। लेकिन नहीं, हमारी किसे सुनी है? अभी अभी चुप करो बस। दीदी। हाँ माँ, ला रही हूँ।
आइए डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा, देखिए इसे। जी हाँ। आपकी बॉडी में पेन है क्या कहीं? मैडम इनको बहुत तेज बुखार है और जॉइंट भी पेन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको चिकनगुनिया हो सकता है। सर ये मैंने कुछ टेस्ट दिए हुए, इन्हें करवा लीजिएगा और रिपोर्ट मुझे भिजवा दीजिएगा। मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। जी भैया। माँ डोंट वरी, सेठ जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? जब तक सब शगुनी का साया है हमारे बेटे पर, कैसे ठीक होगा हमारा बेटा?